नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक टू एजुकेशन। साथियों, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो जो वेब डेवलपर हैं और जो हैकर हैं उनके लिए है बेसिकली। तो मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ आप इसका किसी और चीज़ में इसका यूज़ ना करें। अगर आप किसी को यूज़ में करते हैं और आप कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो अब मैं इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ, हाँ बट थोड़ा समय लगता है लेकिन मैं डालता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको एक टूल बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है। तो आज वीडियो के एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ क्रोम अपना, ये गूगल का। तो मैं उसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप गूगल पे जाइए, यहाँ पर आप टाइप करिए वेपलाइज़र। मैंने वेपलाइज़र टाइप किया, ठीक है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आप ये पेज पे जाएंगे। ये पेज में यहाँ पर देखिए वेपलाइज़र क्रोम वेब स्टोर नाम से रहेगा। आप वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए यहाँ पर एडिट टू क्रोम ऑलरेडी मेरे दिख रहा है। जब आप नए आएंगे इसमें आप, तो आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन देगा। तो आप वहाँ क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक ये इसका एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप एक्सटेंशन जैसे ही आएगा आप कोई भी साइट को ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 3-4 साइट ओपन कर रखी है। देखिए कि ये AFPA की साइट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस में बनी है, इस पर जो भी इसका लैंग्वेज है, वेब फ्रेमवर्क, देन वेब सर्वर, ब्लॉक, CMS, कैश टूल, जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, SEO। तो आपको इसमें बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये वेबसाइट में कौन कौन सा टूल यूज़ हुआ है, किस लैंग्वेज पर बनी है। आपको कहीं और जाने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर ये टूल आपको बता देगा। तो ये PHP बनी है, मैं आपको और 2-3 दिखा देता हूँ। ये एंड्रॉयड डेवलपर की ऑफिशियल वेबसाइट है, हम इसको देख लेते हैं ये कहाँ से कैसी बनी है। देखिए एनालिटिक्स का वेब फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, फॉन्ट स्क्रिप्ट, वेब सर्वर, देन प्रोग्रामिंग पाइथन। तो ये वेबसाइट जो है इसका कोडिंग पाइथन में हुई है। वैसे ही हम HTML CSS देख लेते हैं, इस पर ऐसा क्या है हमारे पास। OS इसका विंडोज सर्वर पे है, 50% सिक्योर है। वेब फ्रेमवर्क इसका माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET का है। देन वेब सर्वर IIS है। वैसे ही जियो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो जियो बहुत पॉपुलर है उसकी वेबसाइट पे हम देख लेते हैं इस पर ऐसा क्या है। इसके लैंग्वेज बनी है जावा पे। टैग मैनेजर इसका गूगल टैग मैनेजर है। जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क इतने सारे हैं, jQuery, AngularJS एंड ऑल। तो बेसिकली मेरा इसमें आपको इतना साइट दिखाने का इन्फॉर्मेशन यही है कि आप कोई भी साइट को ओपन करेंगे वो साइट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस टूल के थ्रू आपको मिल जाएगा बिना किसी की और मदद के। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है मैं आपको ऑटोमेटिक दे दूंगा अपने ये डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।